वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आंचल। टाइटल से आप सबने पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। सो फॉर टुडेज वीडियो मैं आप लोगों के साथ ये हेयर कलर शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज द स्ट्रीक्स क्रीम हेयर कलर शाइन ऑन, एंड ये वो हेयर कलर है। आई एम इन द शेड फ्लेम रेड 0.6 एंड आई हैव टू टॉक अबाउट दिस शेड, दिस कलर। एंड सच में ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी एंड एप्लीकेशन एंड रिजल्ट हर चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगी इसकी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको ये पैकेज रिसीव होगा, ये बॉक्स, एंड इट डिटेल्स फॉर ओनली 60 रुपीज़। एंड इसके सच अ बिग डील अगर आपको 60 रुपीज़ में इतना प्यारा शेड मिल रहा है। आपको ये बॉक्स के अंदर ऐसी एक ये कलरेंट की ट्यूब रिसीव होगी। देन आपको यहाँ पे एक ये छोटी बॉटल में डेवलपर रिसीव होगा। देन यहाँ पे आपको दो कंडीशनर रिसीव होंगे इन दिस बॉक्स एंड इन डिटेल्स। सो आपको यहाँ पे ये बॉक्स रिसीव होगा। देन यहाँ पे बैक साइड पे इसके स्टेप्स लिखे हैं कि आपको कैसे कलर करना है। देन यहाँ पे पैच टेस्ट के बारे में लिखा है अगर आप पहली बार कलर कर रहे हो। देन आपको यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है कि आप कलरेंट एंड डेवलपर को अच्छे से इक्वल अमाउंट में मिक्स करा था, एंड कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आई थी लास्ट में। आपको अच्छे से मिक्स करना है। देन आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल ही इजीली तरीके से अप्लाई करा है, एंड आप भी इस तरीके से कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो मेरे नीचे थोड़े से ब्लॉन्ड है हेयर, लेकिन ऊपर नहीं है एंड बीच में नहीं है, एंड इसने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा रिज़ल्ट आया था इसका। सो जहाँ जहाँ पे मेरे पहले ब्लॉन्ड हो रखा था वहाँ पे ज़्यादा रेड कलर आया है, एंड जहाँ पे मेरे ब्लैक कलर्स थे वो सॉरी ब्लैक कलर के हेयर थे वहाँ पे ऑब्वियसली कम हेयर कलर आया है मेरा। सो अगर आप चाहते हो एक टेंट देना अपने बालों में सनलाइट के अंदर अच्छा आपका कलर शाइन मारे, तो आप इसको अपने पूरे हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल भी इसने मेरे बाल जो है ड्राई नहीं करे, रफ नहीं करे बिल्कुल भी। एंड मैंने सिंपली इसको ऐसे बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, आपको इसके अंदर ग्लव्स भी मिल जाएंगे, सो आपको ग्लव्स वेयर करने अपने। एंड मैंने सिंपली इसी तरीके से एप्लीकेशन की थी इस हेयर कलर की, बहुत ज़्यादा इजीली मैंने अप्लाई करा, ज़्यादा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं करा। एंड इसकी मैं आपको अवेयरेबल एंड इसका टाइम बता देती हूँ। सो मैंने 3-4 बार अपने हेयर वॉश कर लिया इस कलर के बाद, एंड हर एक टाइम में इसका कलर निकलना स्टार्ट हो जाता है, रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेरे ऑलरेडी थोड़े ब्लॉन्ड हेयर्स थे इसलिए ये रेड कलर ज़्यादा आया। एंड अगर आपके ब्लैक कलर के हेयर्स हैं तो आपको ज़्यादा इसका शेड नहीं आएगा, आपको इधर सिर्फ ऊपर से थोड़े थोड़े हाईलाइट्स या फिर थोड़ा सा एक टिंट मिल जाएगा अगर आप सनलाइट में जाते हो। सो या आपको इस तरीके का शेड आएगा, एंड ये 60 रुपीज़ में आपको कलर मिल रहा है, इतना ब्यूटीफुल सा शेड आता है। सो फर्स्ट अगर आपको 3-4 वॉशेस के लिए अगर हेयर कलर चाहिए, सो गो फॉर दिस हेयर कलर, इट्स अ वेरी नाइस हेयर कलर। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बहुत छोटी सी वीडियो थी आई नो, बट आई हैव टू शेयर दिस कलर विद यू ऑल, इट्स सच एन अमेजिंग कलर। एंड 3-4 वॉशेस में आपका ये निकल जाएगा, बट अगर आपको एक इसके अंदर काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं, अगर आपको 2-3 टाइम के लिए अगर अपना हेयर कलर चेंज करना है या आप कुछ चेंज चाहते हो, आपका बर्थडे है या फिर आपको कोई फेस्टिवल है, सो आप इस हेयर कलर को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ईजिली अप्लाई एप्लीकेशन है इसकी, एंड बड़ा इजी टू कैरी है, एंड बहुत वेरिएबल है, बिल्कुल भी आपके हेयर्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करेगा। इसके अंदर कोई ब्लीच नहीं है जो आपके हेयर को डैमेज कर दे, एंड आपको कंडीशनर मिलता है एंड बहुत अच्छी शाइन देगा, और बिल्कुल भी आपके बाल रफ नहीं लगेंगे आफ्टर यूजिंग दिस। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर मेरे रिकमेंडेशन पर इसको ट्राई करना। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे गॉर्जियस।